आज का हमारा टॉपिक है नेहरू के राष्ट्रवादी संबंधी विचार। नेहरू एक प्रबल राष्ट्रवादी थे। भारत की आधारभूत एकता में उनका गहरा विश्वास था। वे स्वीकार करते थे कि अनेक सांस्कृतिक, भाषागत और भौगोलिक विविधताओं के होते हुए भी भारत एक राष्ट्र था। उनकी मान्यता थी कि सांस्कृतिक बहुलता और विविधताओं के मध्य समन्वय की अतीत से चली आने वाली एक सतत परंपरा एक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान का विशिष्ट लक्षण है। विविधताओं को समाहित करना और उन विविधताओं के रहते हुए एकता का सूत्र खोज लेने की भारत की क्षमता के प्रति नेहरू की गहरी आस्था थी। नेहरू के जो राष्ट्रवादी संबंधी विचार हैं उनमें पहला है राष्ट्रवाद के भावात्मक पक्ष पर बल। नेहरू ने राष्ट्रवाद के भावात्मक पक्ष के महत्व को स्वीकार किया। उनके लिए अतीत की उपलब्धियों, सांस्कृतिक आस्थाओं, चिंतन व आचरण की सशस्त्र परंपरा वर्तमान चुनौतियों का एकताबद्ध होकर संघर्ष करने की राष्ट्र की क्षमता तथा मानव मात्र के कल्याण पर आधारित उन्नत भविष्य को सुनिश्चित करने की आकांक्षा भारतीय राष्ट्रवाद के अनिवार्य अंग थे। उन्होंने लिखा, राष्ट्रवाद अतीत की उपलब्धि, परंपराओं और अनुभूति की सामूहिक स्मृति है और राष्ट्रवाद जितना शक्तिशाली आज है उतना पहले कभी नहीं था। जब तक संकट आया है तब राष्ट्रवादी भावना का उत्थान हुआ है और लोगों ने अपनी परंपराओं से शक्ति और सबल प्राप्त करने का प्रयत्न किया है। अतीत और राष्ट्र का पुनर्वेक्षण वर्तमान युग की एक आश्चर्यजनक प्रगति है। अतीत, वर्तमान और भविष्य के मध्य समन्वय। नेहरू अतीत के गौरव को राष्ट्रवाद के एक तत्व के रूप में स्वीकार करते थे, किंतु उनके लिए केवल अतीत के गौरव की अनुभूति सुदृढ़ राष्ट्रीयता का अकेले ही आधार नहीं बन सकती थी। वे भारतीय राष्ट्रवाद की पहचान के लिए अतीत के गौरव, वर्तमान के सामर्थ्य और भविष्य की संभावनाओं के मध्य समन्वय करना चाहते थे। उन्होंने कहा, भारत को एक सीमा तक अपने अतीत से संबंध तोड़ना होगा और जिस सीमा तक उसके वर्तमान की सामर्थ्य पर अतीत का भार है उसे रोकना होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने अतीत की सब चीज़ों से संबंध तोड़ दें या उन्हें भूल जाएं। हमारे अतीत में ऐसे जीवित तत्व हैं जिनका महत्व है। हम उन आदर्शों को नहीं भूल सकते जिन्हें हमें प्रेरित किया। भारतीय जनता के युगों से चले आने वाले सपनों को, अपने पूर्वजों के प्रेम और उत्साह को, उनकी मानसिक उत्कृष्टता और जिज्ञासा की भावना को, उनके विचारों की साहसिकता को साहित्य, कला और संस्कृति में उनकी गहरी प्रतिभा को, सत्य, शिव और सुंदर और स्वतंत्रता के लिए उनकी प्रेम को, मूल्य की उनकी मौलिक प्रणाली को, दूसरों के प्रति उनकी सहिष्णुता को, दूसरे व्यक्तियों और उनकी संस्कृति को अपनाने की सामर्थ्य को समन्वय करके एक बहुरुखी मिली जुली संस्कृति का निर्माण करने की उनकी क्षमता को हमें महत्व देना होगा। भारतीय चिंतन और जीवन की इस परंपराओं को हम कभी नहीं भूल सकेंगे और इस परंपरा के प्रति हमने गर्व का भाव सदा बना रहेगा। यदि भारत इन सबको भूल जाएगा तो वह ऐसे भारत ही नहीं रहेगा जिस पर हमें हर्ष और गर्व की अनुभूति होती है। नेहरू ने इस बात पर बल दिया कि भारतीय राष्ट्रवाद की संकल्पना में भारत के अतीत की अच्छाइयों के प्रति अनुराग के साथ साथ ही अतीत की बुराइयों को तागने की तत्परता भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, हमें अपने अतीत से नाता नहीं तोड़ना अपितु युगों पुरानी उस धूल और मिट्टी से नाता तोड़ना है जिसने हमारे अतीत के आंतरिक सौंदर्य और यथार्थ को छिपा दिया है। हमें अपने अतीत के उस व्यर्थ और विकृत हिस्से से अपना संबंध तोड़ना है जिससे हमारी उदार्त भावना को जड़ बनाकर हमें पद भ्रष्ट किया और उस कठोर बंधन में बांध दिया है जो हमारी प्रगति को अवरुद्ध करता है।
हम अपने पुराने ज्ञान को एक नए सिरे से अपनाना होगा ताकि वर्तमान परिस्थितियों से उनका सामंजस्य हो सके और हम विश्व के अन्य समुदाय के साथ विश्व के विकास की रोचक और साहसिक यात्रा में समान रूप से भागीदार बन सकें। हमें सत्य, सौंदर्य और स्वतंत्रता के प्रति हमारे आग्रह को पुनर्जीवित करना है, क्योंकि उसी से जीवन में सार्थकता है। हमें पुनः गतिशील दृष्टिकोण और जिज्ञासा की उस भावना को उत्पन्न करना है जिससे भारतीय जाति को अन्य से श्रेष्ठ बनाना है और जिससे भारतीयता के भवन को सुदृढ़ और स्थायी नींव पर खड़ा किया जाना है। खुला दृष्टिकोण। नेहरू के राष्ट्रवाद में अपनी संस्कृति पर गर्व करने और उसके आधार पर आत्मविश्वास का अनुभव करने के लिए तो स्थान है, किंतु अपनी श्रेष्ठता के दम और दूसरों को की श्रेष्ठ बातों को भी ग्रहण न करने के लिए कोई स्थान नहीं। अपनी श्रेष्ठता के अभिमान और अंधाधुकरण की प्रवृत्ति दोनों को ही नेहरू भारत की प्रगति के मार्ग में बाधा मानते हैं। उनकी मान्यता थी कि भारत के स्वर्णिम भविष्य के लिए अतीत और वर्तमान, पूर्व और पश्चिम में समन्वय की आवश्यकता है। उनकी अपेक्षा थी कि भारत अपनी धरोहर पर तो गर्व करे, किंतु दूसरी संस्कृतियों से श्रेष्ठ तत्वों को ग्रहण करने में संकोच न करे। उनका मत था कि हीन भावना और संकीर्णता से मुक्त होकर ही स्वतंत्र भारत निश्चित रूप से विकास के पथ पर आगे बढ़ता जाएगा। उन्होंने कहा, यह सत्य है कि स्वाभिमानी भारतीय जाति के गौरव पर बार बार आघात किए गए हैं, किंतु सौभाग्य से भारतीयों में घृणा का स्वभाव नहीं है और शीघ्र ही उनकी सद्वृत्तियां ऊपर आ जाती हैं। जैसा ही स्वतंत्रता के नए क्षितिज दिखाई देंगे, भारत पुनः अपने स्वरूप में आ जाएगा। उस समय भविष्य का आकर्षण इतना होगा कि इससे पिछली निराशाओं और अपमान दृष्टि से हट जाएगा। आत्मविश्वास के साथ वह आगे बढ़ेगा और अपने मार्ग में निष्ठा रखते हुए वह दूसरों से सीखने और उसके साथ मिलजुल कर काम करने को उत्सुक होगा। आज वह पुरानी परंपराओं की अंधभक्ति और विदेशी शैली के अंधाधुकरण के बीच लटका हुआ है। इन दोनों में से किसी भी रीति से उसे न तो शांति मिल सकती है और न ही वह प्रगति जीवांत अर्जित कर सकता है। वह अपने खोल से बाहर आना होगा और वर्तमान युग की गतिविधियों में सक्रिय होकर भाग लेना होगा। साथ ही ये बात भी स्पष्ट करनी होगी कि उसे दूसरों का अनुसरण नहीं करना, क्योंकि अनुसरण की नींव पर सच्ची आध्यात्मिक या सांस्कृतिक उन्नति नहीं हो सकती। ये अनुसरण की प्रवृत्ति तो उसे थोड़े से लोगों तक ही सीमित करेगी जो सामुदायिक जीवन को मुख्य धारा और जन समुदाय से अलग थलग हो जाएगी। सच्ची संस्कृति को संसार के हर कोने से प्रेरणा मिलती है, किंतु वह अपनी ही जगह पर पलवित होती है और उसकी जड़ें सारी जनता में समाई हुई रहती है। निरंतर विदेशी सांचे में सोचते रहने से संस्कृति निर्जीव हो जाती है। छोटे से समुदाय की संकीर्ण संस्कृति का युग अब समाप्त हो चुका है। अब हमें आम जनता के दृष्टिकोण से सोचना होगा। उसकी संस्कृति अतीत के प्रवाह के अनुकूल ही होनी चाहिए और साथ ही उसने नवीन प्रवृत्ति और जनता की रचनात्मक क्षमताओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। भारत के स्वर्णिम भविष्य की आशा। एक राष्ट्र के रूप में भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति नेहरू आश्वस्त थे। परंपरा और आधुनिकता में तालमेल स्थापित करने तथा विभिन्न विचारों और प्रभावों में समन्वय करने की भारत की क्षमता पर उन्हें पूर्ण विश्वास था। उन्होंने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि पुराना जादू अब हट रहा है और भारत चारों तरफ देख रहा है और वर्तमान समय के लिए उसे सजग हो रहा है। उसमें परिवर्तन होगा, लेकिन कितने ही परिवर्तन हो, अतीत की प्रतिष्ठा बनी रहेगी और भारत के लोगों के हृदय पर उनका आधिपत्य बना रहेगा। भारत ये इस कठोर प्रतिकारवादी और संदेश पर संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ है, सुंदर है, सत्य है, उसे अपनाने में भारत को अपनी अतीत के ज्ञान के भंडार में सहायता मिलेगी। जनशक्ति में आस्था।
भारतीय राष्ट्रवाद को नेहरू का सर्वाधिक मौलिक योगदान ये है कि उन्होंने उसे संकीर्ण सांप्रदायिक आग्रहों का केवल अतीत के गौरव की अनुभूति के रूप में परिभाषित करने की अपेक्षा जागृत जनशक्ति की अपार संभावना के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने कहा, ये भारत माता क्या है, ये भारत क्या है। भारत माता का अर्थ कुछ लोगों के लिए भारत की भूमि हो सकती है, भारत के नदी और पहाड़, जंगल और खेत सभी हमें प्रिय है, किंतु वास्तव में भारत के रूप में जिस तत्व की पहचान की जाननी चाहिए वह है भारत के लोग। भारत माता दरअसल ये करोड़ों लोग हैं और भारत माता की जय से तात्पर्य है उन लोगों की जय। मैं लोगों से कहता हूँ कि तुम इस भारत माता के अंश हो और एक तरह से तुम ही भारत माता हो। जनता की क्षमताओं में आस्था तथा जनता के कल्याण के प्रति समर्पण नेहरू के राष्ट्रवाद के अनिवार्य पक्ष हैं। भारत की स्वतंत्रता के महत्व को भी नेहरू ने न केवल राष्ट्रीय गौरव को पुनः प्रतिष्ठित करने वाली एक घटना के रूप में नहीं, अपितु एक जन कल्याणकारी नवीन व्यवस्थाओं की स्थापना की संभावना तथा उसकी प्राप्ति के लिए भारतीय जनता के एकताबद्ध संकल्प के रूप में समझा था। उन्होंने कहा, हम लंबी अवधि तक घटनाओं के मूक दर्शन बने रहे हैं तथा दूसरों के द्वारा शासित होते रहे हैं। अब हमारे लोगों में भी कुछ कर गुजरने की आशंका उत्पन्न हुई है। अब हम अपनी इच्छा से हम अपने अतीत की रचना करेंगे। आइए हम सब मिलकर बढ़े और इस काम में हाथ बटाएं। भारत को अपने हृदय के सर्वोच्च शिखर पर प्रतिष्ठित करें, उसे राष्ट्र में महान बनाएं, शांति और प्रगति का अद्भुत बनाएं और हम उसका स्वागत करें। यहाँ हार जीत का कोई प्रश्न नहीं है, हम कंधे से कंधा बढ़ाकर एक साथ आगे बढ़ना है। हमें जीतेंगे तो एक साथ, हारेंगे तो एक साथ, लेकिन इस अभियान को हार की आशंका ही नहीं, हमारी सफलता भी सुनिश्चित है। हम स्वाधीन होंगे और भारत के करोड़ों लोगों का कल्याण करेंगे। भारत की स्वाधीनता की अनिवार्यता। राष्ट्रवाद के प्रति आस्था के कारण भारत की प्रतंत्रता का तथ्य नेहरू को उद्वेलित करता था। उनका पालन पोषण अंग्रेजी पद्धति से हुआ और अंग्रेजी सभ्यता और जीवन प्रणाली के प्रति उनके मन में प्रशंसा का भाव था। यद्यपि वे कांग्रेस के पूर्ववर्ती उदारवादी नेताओं की भांति ये स्वीकार नहीं करते थे कि भारत के कल्याण के लिए भारत का ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन रहना आवश्यक था, वे भारत के आत्मनिर्णय के अधिकार तथा अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने के अधिकार के दृढ़ पक्षधर थे। जब कांग्रेस के अधिकांश वरिष्ठ नेता भारत के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के औपचारिक ढंग के रूप में अधिराज्य स्तर की मांग कर रहे थे, नेहरू ने पहली बार भारत की पूर्ण स्वाधीनता को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित करने में निर्णायक पहल की। उन्होंने कहा, किसी भी पराधीन देश के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रथम तथा प्रधान आकांक्षा होनी चाहिए। भारत के लिए, जिसमें कि अस्थिमा और अपनी पृथक पहचान की तीव्र भावना विद्यमान रही और जिसके पास अतीत की एकताती है, ये बात और भी सही है। भारत की स्वतंत्रता के प्रति अपनी उत्कृष्ट आकांक्षा को अभिव्यक्त करते हुए नेहरू ने कहा था, यदि किसी भारतीय की अपने प्यारे देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते लड़ते मृत्यु ही हो जाए तो उससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। व्यापक दृष्टिकोण। नेहरू का राष्ट्रवाद संकीर्ण नहीं था, वे भारतीय राष्ट्रवाद को मानव मात्र की स्वतंत्रता और कल्याण के महत्वपूर्ण मानते थे। साथ ही एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण के संकल्प को राष्ट्रवाद का अनिवार्य हिस्सा मानते थे, जिसमें अन्याय, उत्पीड़न और अभावों का निराकरण कर दिया गया हो। इस प्रकार नेहरू के राष्ट्रवाद में अतीत की प्रेरणा, उदार और व्यापक दृष्टिकोण तथा भारत के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण की आशंका का समन्वय था। राष्ट्रवाद के विषय में उनके विचारों पर महात्मा गांधी का स्पष्ट प्रभाव था। गांधी जी की भांति वह भी ये स्वीकार करते थे कि एक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान स्वयं में कोई लक्ष्य नहीं है। वे भारत की स्वतंत्रता और एक राष्ट्र के रूप में उसकी प्रतिष्ठा को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक मानते थे, किंतु उनका दृढ़ मत था कि भारत की स्वतंत्रता तभी सार्थक है जबकि वह अन्य देशों की स्वतंत्रता तथा न्याय और गरिमा के लिए मानव मात्र के संघर्ष की प्रेरणा का
संदेश बने। नेहरू के राष्ट्रवाद में अन्य राष्ट्रों के प्रति विद्रोह, द्वेष या घृणा के लिए कोई स्थान नहीं था। उन्होंने स्पष्ट कहा, हम स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किंतु हम किसी अन्य राष्ट्र या जाति का कोई अहित नहीं करना चाहते। हम दूसरों पर अपना प्रभुत्व भी नहीं जमाना चाहते, किंतु हम अपने देश की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हेतु प्रतिबद्ध है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।